सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हां नवनीत रंधावा ते हुण इक नज़र अज दे बुलेटिन दियां मुख खबरां वाल। साहिब श्री गुरु रामदास जी दे प्रकाश पर्व संबंधी नगर निगम दे मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल कीती मीटिंग। की आयल सेंटर विद्यार्थियों नूं सही सिक्ख्या प्रदान कर रहे हैं? श्री दुर्गियाना तीरथ दे बड़ा हनुमान मंदिर विखे लंगूर मेला होया संपन्न। अते हुण खबरां विस्तार नाल। चौथी पातशाही साहिब श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब के संबंध च आयोजित किए जा रहे नगर कीर्तन की तैयारियों लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख दफ्तर विखे अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों नाल मीटिंग की। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के अधिकारियों नाल विचार वटांदरा किया। इस दौरान उन्होंने आख्या कि प्रकाश पुरब संबंधी शहर नूं साफ सुथरा रखने लई नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों अते सफाई सेवकों दीआं ड्यूटियां लगा दित्तियां गईआं हन। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्तर प्रताप सिंह, SGPC मैंबर सुरजीत सिंह पिटेवट, मैनेजर श्री दरबार साहिब सुलखन सिंह पंगाली, निगरान इंजीनियर संदीप सिंह, सेहत अफसर डॉक्टर किरण कुमार, डॉक्टर योगेश अरोड़ा भी मौजूद सन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो वड्डे प्रबंध किए गए, लंगर के प्रबंध किए गए, जेडे नगर कीर्तन आने वक्रे वक्रे शहर रिसीव करने के प्रबंध किए गए, तो प्रशासन वालों मेयर साहब, साडे SDM साहब, ADCP साहब, ACP साहब तो होर ऑफिसर साहबान इतने आए हैं, उन्होंने आन के जी असी बेनती की, क्योंकि कला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन प्रबंधों सिरे नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि बाहरों संगत ने आना, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, जिस तरह साड़िया सड़कों की सफाई आ, और शहर में पूरा प्रशासन वालों, कारपोरेशन वालों भी, तो प्रशासन वालों भी पूरा चंगी तरह सजाया जाए। धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब 11 तरीक में मनाया जा रहा, अज वो उपलक्ष्य के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अजे दफ्तर के सारे की कारपोरेशन की पुलिस प्रशासन की तो सिविल प्रशासन के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई है, और जिहड़ा 10 तरीक गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य जिहड़ा नगर कीर्तन कढ़िया जाना, प्रकाश पुरब मनाया जाना 11 तरीक तैयारियों संबंधी अज मीटिंग की गई है, और जिन्नियां भी ड्यूटियां जिहड़े विभाग दियां बनदियां सी अज उहनां नूं इत्थे गिनाईआं गईआं ने। कोई कारपोरेशन वालों बहुत वड्डियां ड्यूटियां ने सड़कां दे उत्ते, जिते भी कोई टुटियां भज्जियां ने वो ठीक करन वालियां ने, सीवरेज, वाटर सप्लाई की कोई लीकेज ना होवे, स्ट्रीट लाइट जगदी होवे, और कोई किसी किस्म की इनक्रोचमेंट ना होवे, और जिहड़े आ इश्तिहारबाजी है किसी किस्म की कोई वाधू ना लगी होवे, ये सारियां चीज़ां नूं यकीनी बनाया गया। स्टूडेंट्स नूं बाहर जाण दा बहुत शौक है, जिस कारण शहर विच थां थां ते एजुकेशनल सेंटर्स खुले हुए हैं जो कि बच्चों नूं आयल्स करवाउंदे हन। रंजीत एवेन्यू एक पॉश कॉलोनी है जिथे वड्डे घरां दे लोक रहिंदे हन। इत्थे ही आयल्स करवाउण वाले इंस्टीट्यूट्स भी हन जो कि हैवी फीसिस लैंदे हन। साडी टीम ने इन्हां सेंटर्स नूं विजिट कीता अते वेख्या कि काफ़ी हौशपौश है। वेखण विच इह भी आया कि इन्हां थावां दे नाल कुछ रेस्ट्रो बार्स भी बने हुए हन जो कि हर तरह का नशा डील करते हैं। जिहड़े बच्चे इन्हां सेंटर्स विच पढ़न आउंदे हन उह इन्हां थावां वल भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। असीं प्रशासन तों मांग करदे हां कि इन्हां ट्यूशन सेंटर्स नूं ध्यान विच रख्या जावे अते चेक किया जाए कि ये स्टूडेंट्स नूं प्रॉपर तरीके नाल गाइड भी करते हैं या नहीं। अमृतसर शहर का पॉश इलाका रंजीत एवेन्यू, रंजीत एवेन्यू के दो चीज़ा वेखन मिलती हैं नालों नाल, एक तो मिलते हैं बार्स वगैरह और दूसरे एजुकेशन सेंटर्स। एजुकेशन सेंटर्स जो ने बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं या प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, यह तो वो आप ही जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को चांस मिलता है बाहर जाने का, वाकई जाते भी हैं या नहीं, पैसा लगता है, काफ़ी पैसा वेस्ट होता है या किसी राहे लगता है, यह स्टूडेंट्स ही जानते हैं या उन्होंने पेरेंट्स जो कि गाड़ी कमाई इस पास लगा देंगे। मिसगाइड स्टूडेंट जरूर इतने होंगे क्योंकि जो पढ़न आया बच्चा उन्हें बार्स वगैरह देखता है तो शायद हो सकता है कुछ बच्चे उस पास भी अट्रैक्ट होंगे हो
प्रशासन वेखिया इस चीज़ को और पुलिस बंदोबस्त भी इतने होने चाहिए हैं, क्योंकि कई बार यह भी सुनना चाहता है कि इस इलाके झगड़े बहुत होंगे। कैमरा परसन अजय नाल जेपी सिंह फास्ट न्यूज़ अमृतसर। श्री बड़ा हनुमान मंदिर विखे लंगूर मेले तो बाद आखिरी दिन बच्चों वालों अपने वस्त्र त्यागे गए और अपनी जिंदगी की पहला वांग शुरुआत करन वाल ध्यान दिता गया, जिस चलद मंदिर के शास्त्री वालों साड़ी फास्ट न्यूज़ टीम नाल गलबात करद्या विस्तार पूर्वक दसा गया कि जो बच्चे लंगूर बने सन उन्हां वालों मंदिर विखे आ के अपने वस्त्र त्यागे जा रहे हैं और कई होर अहम विचार सांझिया कीतियां। पेश है इस संबंधी फास्ट वे की स्पैशल रिपोर्ट। ये लंगूरों वाले नवरात्रे बोले जाते हैं हनुमान जी के, यहाँ पर विशेष करके यहाँ पर अमृतसर में पंजाब में स्थित है और 10 दिन तक बच्चे को लंगूर बनाया जाता है और आज एकादशी वाले दिन उसके वस्त्र उतार करके और मत्था टिकाया जाता है। हमसे अगर कोई जान में अनजान में भूल हो गई है उसके लिए हनुमान जी से माफ़ी मांगी जाती है और जो नियमों का पालन किया है आज से वो नियम छोड़ दिए जाते हैं और सभी की मनोकामना पूरी हो इस प्रकार से सभी मन्नत मांगते हैं यहाँ पे और अगली साल के लिए बहुत से भक्त लोग अपनी झोली में फल डलवाते हैं और जब उनके बच्चा होता है तो फिर उनको लंगूर बनाते हैं, वो बच्चे को लाल रंग का चोला पहनाते हैं उसको लंगूर कहते हैं और आज एकादशी वाले दिन वो मन्नत समाप्त हो जाती है, उनकी सभी की मनोकामना पूरी हो ऐसी सभी से हम प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी सभी को आशीर्वाद देते हैं और सभी जो नियम रखे उनका पालन आज तक रखा गया है, आज से वो नियम समाप्त हो जाते हैं और हनुमान जी का विशेष करके ये अमृतसर में मंदिर है और कहीं पर भी ऐसा लंगूरों वाला हनुमान जी का मंदिर नहीं है। ये पंजाब में अमृतसर में है और इंडिया में कहीं पर भी ये ऐसा मंदिर नहीं है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इसको रामायण काल से बताते हैं कि जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय घोड़ा छोड़ा था और लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ा था, तभी से हनुमान जी को यहाँ पर इस ये वृक्ष के सामने उनको बांधा था और ये स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई है हनुमान जी की मूर्ति और इसे तभी से ये मन्नत चालू है। हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जिनके संतान नहीं होते हैं उनको लड़का देते हैं, पुत्र देते हैं, पुत्री देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और सभी की हनुमान जी मनोकामना पूरी करें। बोलिए श्री आपत रामचंद्र महाराज की जय। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है श्री बड़ा हनुमान मंदिर, जिसनों लंगूरा वाला मंदिर के नाम तो जाना जाता है और पूरे वर्ल्ड के इतिहासक जोड़ा यह मंदिर है तो जिते कि असू के नरात्या के जोड़े बच्चे ने लंगूर बनते हैं तो हनुमान का चोला बन के लंगूर थोड़े बन के इतने मत्था टेकते हैं तो नवरात्या तो बाद दशहरे तो बाद अगले दिन अज वह वस्त्र जोड़े त्यागे जाते हैं तो फिर रूटीन उदा अपनी जिंदगी सारी बतीत करते हैं तो अज मंदिर के लोग पहुँच के अपने बच्चों के जोड़े वस्त्र उत्थे जमा करवा रहे हैं तो एक ही श्री हनुमान जी को बेनती अरदास की जा रही है कि सब के भले की अरदास है कि महाराज सब के घर चढ़ती कला सुख शांति बख्शे तो सब के घरों ग्रह क्लेश दूर हो। कैमरामैन राजन कुमार के नाल सुशील शर्मा फास्ट न्यूज़ अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई हेठ आम आदमी पार्टी की सरकार सिक्ख्या अते सेहत दे खेतर नू उच्चा चुकन विच कोई कसर नहीं छड़ेगी, क्योंकि सेहत पक्षों तंदुरुस्त बच्चा ही चंगी सिक्ख्या हासिल कर सकता है। इन्हां शब्दों का प्रगटावा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने विधानसभा हल्का जंडियाला गुरु के अधीन पैंदे पिंड जानिया के सरकारी एलीमेंटरी स्कूल विखे 12.5 लाख रुपए की लागत नाल विशेष तौर पर होने वाली रिपेयर के काम का नींह पत्थर रखने समय किया। उन्होंने आख्या कि राज के सारे सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा मुहैया करवाया जा रहा है ता जो स्कूली बच्चों किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पवे। डीआर रेजिडेंशियल सोसायटी वालों दुशहरे का त्यौहार उत्साह नाल मनाया गया। विधायक जसविंदर सिंह रमदास अते स्वामी श्री निवास जी इस मौके पर उचेचे तौर पर मौजूद सन। रावण के पुतले नू अग्नि पेंट किया गया। चेयरमैन संतोष गुप्ता, अशोक सोनी, प्रवीण चड्डा, साबका कौंसलर संदीप सिक्का समेत सारे मैंबर मौजूद सन। आध्यात्मिक स्वरूप को जाने, हर व्यक्ति के अंदर जो विकार है वो विकारों का समन्वय अज का त्यौहार बुराई ते चंगाई की जित का त्यौहार है। ये हमेशा परंपरागत फलों तो मरवाया जा रहा है।
मैं बड़ा खुश हाँ, अंदरों मेरे बड़े तिर दी चंग्यारियां फुट रही हैं कि मैनू मेरे लोगों ने मेरे वोटर सपोटर ने ये पतवंते सजड़ा ने मैनू इत्थे ये त्यौहार देखने का मौका दिता। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना हजारां बच्चे स्कूल वैनस विच सवार होकर स्कूल जाते हैं और दोपहर में छुट्टी तो बाद इन्हां वैनस विच ही सवार होकर घर वापस आते हैं। ये वेखन विच आ रहे हैं कि स्कूल इन्हां वैनस विच बच्चों की सुरक्षा लैके किसी भी नियम की पालना नहीं करते। मानयोग सुप्रीम कोर्ट की भी स्कूलों को हिदायत है कि स्कूल वैनस विच बच्चों की सुरक्षा यकीनी होवे। सैक्रेटरी RTA अर्शदीप सिंह लुबाणा का आखना है कि स्कूल वैनस उपर स्कूल का नाम और एमरजेंसी फोन नंबर जरूर लिखा होवे। पर फास्ट वे न्यूज़ टीम ने देखा कि स्कूलों ने अपनिया स्कूल वैनस से ना तो स्कूल का नाम लिखवाया होया ना ही एमरजेंसी फोन नंबर। सैक्रेटरी RTA अर्शदीप सिंह लुबाणा ने फास्ट वे न्यूज़ टीम नाल गलबात करदिया स्कूलों नू हिदायत की कि स्कूल वैनस नू लैके जेकर किसी भी स्कूल ने नियमों की पालना ना की तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। देखो जी, स्कूल वैनस जिहड़ियां ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस दे अधीन आउंदियां ने सारियां, इहदे बारे समय समय ते जिहड़ियां ऑनरेबल कोर्ट्स दियां सुप्रीम कोर्ट तक दियां गाइडलाइनस ने, और इहदे ते पिछले समय दौरान भी जदों चैकिंग वगैरह की गई काफ़ी जिहड़ियां स्कूल बसिस आ उहनां ते कार्रवाई की गई, इंपाउंड भी कीतियां गईयां ने, इस तों इलावा जिहड़े चलानिंग भी की गई है। इहदे बाबत ऑनरेबल DC साहब जिहड़े कि रोड सेफ्टी कमेटी जिहड़ी जिले की हुंदी है डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी उहदे उह चेयरमैन भी ने, उन्होंने भी पिछले महीने भी जिहड़ियां हदायतां जारी कीतियां ने जिहड़ी सोल जिम्मेवारी किसी भी स्कूल की है उह स्कूल दे प्रिंसीपल की है, उहदी मैनेजमेंट की है, अथॉरिटी की है उत्थे दी, कि उहदियां जिन्नियां भी बसिस उन्हां दे अधीन ने, जिन्ने भी वहीकल उन्हां दे अधीन ने जिहड़े उन्हां कोल आउंदे ने, चाहे वह डायरैक्टली उन्हां दी अपनी ओनरशिप है जां फिर उन्होंने हायरिंग एग्रीमेंट करके हायर करके बाहरों किए हुए है, सोल जिम्मेवारी उन्हां दी है। उन्हां दे विच फीमेल अटेंडेंट होन, उन्हां दे विच जिहड़ियां सिक्योरिटी नॉर्म्स ने पूरे होन, हॉरिजोंटल ग्रिल्स उन्हां विच होन, जिहड़े लॉक डोरस होन उन्हां दे विच, उहदा रंग जिहड़ा उह पर्टिकुलर जिहड़ा दस्सिया गया उहदे ते किहड़े स्कूल दी बस है उह उहदे उपर लिखिया होए चस्पा होए सारा। असीं FIRs भी लॉज करावांगे जे किसी तरह की भी नैगलीजेंस हुंदी है, क्योंकि जे नैगलीजेंस है तो दिस इज़ क्रिमिनल नैगलीजेंस किसी बच्चे की, जे कल नूं कितें किसी तरह भी उन्हां दी जान माल दा या अदरवाइज़ किसी भी तरह का सिक्योरिटी कंसर्न उन्हां दा बनदा तो इहदी सोल जिम्मेवारी जिहड़ी है वह स्कूल ते आएगी। इसलिए मेरी सारे स्कूलों के मुखियां नूं भी बेनती है अपने जिन्ने भी उन्हां दे वहीकल्स ने उन्हां ते खास ध्यान देन और इनशोर करन कि जिन्ने भी वहीकल बाहर उन्हां दे आउंदे ने उन्हां सारिआं दी गिनती मिनती और उन्हां दे अपने जिहड़े आ पर्टिकुलर जिहड़े बंदे उन्हां ते तैनात कीते जाण ताकि समें समें ते इन्हां दी चैकिंग उन्हां दे अपने पद्धर ते भी पहले ते कीती जावे। रोज़ाना हज़ारां बच्चे स्कूल वैन सवार हो के स्कूल जांदे ते शाम नूं छुट्टी तो बाद इन्हां स्कूल वैन दे विच घर परतदे ने, और बच्चों की सेफ्टी नूं लैके इन्हां स्कूल वैनस दे विच कोई भी कायदे अते कानून की पालना नहीं की जा रही, ना ही किसी दे वैन उपर स्कूल का ना है, ना कोई नंबर है सिक्योरिटी नंबर टैलीफोन नंबर जिसके उपर किसी हादसे के समय संपर्क किया जा सके। सो सैकटरी RTA अर्शदीप सिंह लुबाणा होर का आखना है कि ये सारा ही कसूर स्कूलों का है, स्कूल इस बारे ध्यान नहीं कर रहे। उन्होंने आख्या कि स्कूलों में कई बार ये किया जा चुका है कि स्कूलों का नाम वैनस के उपर हो, बच्चों की जो सिक्योरिटी है उसकी पालना की जाए, बच्चों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, पर स्कूल इस बारे ध्यान नहीं कर रहे। उन्हें एक बार फिर स्कूल वाले हिदायत की है कि सारे ही नॉर्म्स की पालना की जाए, नहीं तो विभाग फौरी कार्रवाई करेगा। उन्होंने आख्या कि बीते दिनों कुछ वैनस का चलान भी किया गया है और स्कूल वाले एक बार फिर नोटिस भेजा गया है कि स्कूल वैनस के बच्चों की जी सिक्योरिटी है यकीनी बनाया जाए, नहीं तो विभाग कार्रवाई करेगा। कैमरामैन रिकेश कुमार, संदीप सियाल, फास्ट न्यूज़, अमृतसर। तरन तारण विखे सनातन धर्म सभा वालों दशहरा समागम का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल और विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा मुख मेहमान सन और उन्होंने रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलियां अग्निपेट की, वड्डी गिनती विच लोग मौजूद सन। ये युग बदलता है, नवी सभा का गठन होया है, नवी सभा ने भी अपने तन मन धन के नाल सेवा की है और एक समागम योजना आयोजन किया है कि एक समाज के एक दिस सके कि सभा जी नवी बनी है उन्हें एक चंगे ढंग के दशहरे का पर्व मनाया है। PHD चैंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री वालों पंजाब सरकार के सहयोग नाल आयोजित किए जा रहे
पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो पाइटेक्स के माध्यम तो जिथे कई देशों में सनती संबंध मजबूत होंगे उत्थे ही उद्योग जगत के खेत्र अमृतसर का ग्राफ भी वधेगा। उक्त विचार अमृतसर के विधिक डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने अधिकारियों नाल पाइटेक्स मेले दीआं तैयारियां संबंधी मीटिंग करदिआं प्रगट कीते। उन्होंने दसिया कि 15 सालों दौरान पाइटेक्स ने पंजाब ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी विलखण पहचान बनाई है, जिसके आयोजन का इतों के लोगों को वड्डी बेसब्री नाल इंतजार रहा है। ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वालों एक विशेष मीटिंग की गई, जिस दौरान दसिया गया कि कुछ दिन पहला पाकिस्तान के पंजा साहिब गुरुद्वारे विखे कुछ लोगों वालों गुरु साहिब की बेअदबी की गई है, जिस संबंधी उन्हां सिख जथेबंदियों इकट्ठा हो के इस मामले उपर आवाज़ बुलंद करन दी गल आखी, जिस संबंधी उन्हां कई अहम विचार सांझा कीतियां। देखो, हमारे लिए सबसे पहले गुरुद्वारा साहब पंजा साहब, जहां गुरुद्वारा साहब में कुछ दिन पहले अपमान हुआ, जूते पहन के चले गए, सिर के ऊपर रुमाल नहीं था, सिर के ऊपर कुछ भी नहीं था उनके। पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा गुरुद्वारा साहब को अपमान कर दे। पहले ननकाना साहब में एक काफिर ने अपमान किया था, उसने कहा था ननकाना साहब का नाम ही बदल दो, और गुरुद्वारा साहब के बाहर आके उसने घटिया भाषा का प्रयोग किया, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया। हमें सबको एक होकर के पहले तो जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब का बार बार उनकी सिख समाज हिंदू समाज की मंदिरों का गुरुद्वारा साहब का अपमान होता है, जत्था जाना चाहिए वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास सीरियस होकर के कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। क्या यहाँ किसी ने प्रोटेस्ट किया? क्या वाघा बॉर्डर में किसी ने प्रोटेस्ट किया? क्या पाकिस्तान को हिलाया? अगर पंजाब में को आग लगाने का काम कर रहा है, कनाडा से आया, दुबई से आया, कहाँ तारे जुड़ी, आईएस से जुड़ी, कनाडा से जुड़ी, कनाडा से हथियार आ रहे हैं, कनाडा से नार्को टेररिज्म, कनाडा से गैंगस्टर पूरा पंजाब में चल रहा है, क्या हमने कभी मीडिया ने सोचने की कोशिश की? फास्टवे दा फिल्मी चैनल नंबर 240 ते, फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241 ते, फास्टवे मेट्रो चैनल नंबर 242 ते, फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243 ते, गुरुद्वारा शहीदां साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556, श्री दुर्गियाना तीरथ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 ते कीता जा रहा है। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 अते शाम नूं सीधा प्रसारण चैनल नंबर 242 ते कीता जांदा है। फास्टवे दे लोकल चैनल्स ते एडवर्टीजमेंट देण लई फोन नंबर 7009308833 ते संपर्क कीता जा सकदा है। मजीठा दी रहन वाली नाबालिग लड़की लक्ष्मी कौर, जिस नाल कुछ व्यक्तियों वालों छेड़छाड़ करन दा मामला सामने आया, जिस संबंधी पुलिस वालों इस मामले विच दोषियों नूं गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी दिंदिया पुलिस अधिकारी वालों दस्या गया कि इस मामले विच दो व्यक्तियां प्रितपाल सिंह अते राजबीर सिंह नूं गिरफ्तार किया गया अते बाकी दे दोषियों की भाल जारी है। लड़की है जी मजीठा कंप्लेन दर्ज हुई सी CAW सैल रिगार्डिंग द स्टाफ फादर है वो छेड़छाड़ दी, उस संबंधी लड़की ने जो अपना बयान दिता अपने इंस्पैक्टर मैडम उस संबंधी FIR रजिस्टर होगी जी। लड़की वालों स्टेटमेंट दी गई है कि उन्हें इन्हों इस चीज़ बारे दस्या सी, कंप्लेंट की सी, उस वालों ये दस्या गया कि मैं मेरे फादर इन्हों की शह सी, स्टैप फादर सॉरी स्टैप फादर शह सी, जिस पर मेरा करता रहा चीज़ का 354 है जी, 202 IPC एंड POXO 8 and 70। नगर निगम का फायर विभाग शहर में अग लगन या किसी एमरजेंसी वेले बेहतर सेवावां प्रदान करता है। हुण नगर निगम के फायर विभाग नूं एक होर नवा अति आधुनिक तकनीक वाला फायर टेंडर मिले, जो अति आधुनिक तकनीक नाल अग बुझाउण च सक्षम है। साइबर हाइजीन अवेयरनैस दिवस के संबंध में पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह दीआं हिदायतां ते पुलिस वल्लों शहर के वक् वक् स्कूलों ते कॉलेजां विच विद्यार्थियों नूं साइबर हाइजीन बारे जागरूक किया गया। जिला सांझ केंद्र वल्लों दित्तियां जाण वालियां सेवावां अते थाणा विच महिला मित्र डैस्क 181 अते 112 नंबरां बारे भी जाणू करवाया गया। नगर निगम ऑटो वर्कशॉप हाथी गेट विखे मीटिंग पंजाब सफाई सेवक यूनियन के जनरल सकत्तर आशु नाहर की अगवाई हेठ हुई। इस मौके पर दस्या गया कि 8 अक्तूबर नूं भगवान वाल्मीकि जी के
प्रगट उत्सव मौके केंद्रीय वाल्मीकि मंदिर हाथी गेट तो निकलन वाली शोभा यात्रा दा ऑटो वर्कशॉप दे बाहर निघा स्वागत किया जाएगा। मीटिंग दौरान राजकुमार राजू, राज कल्याण, संजीव कुमार समेत कई मेंबर मौजूद सन। जड़ी भगवान वाल्मीकि महाराज जी 8 तरीक शनिवार वाले दिन जड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों के हो के भगवान वाल्मीकि केंद्रीय मंदिर वाल्मीकि महाराज जी तो शोभा यात्रा आरंभ हो जा रही है। साड़ी ऑटो वर्कशॉप वालों गुरु साहब महाराज की जी पालकी साहब जानी आ उस दे उत्ते फुलों की वर्खा करके निघा स्वागत किया जाएगा। कारपोरेशन नगर निगम की पूरी समुची टीम वालों और साड़ी ऑटो वर्कशॉप वालों गुरु साहब महाराज का अटुट लंगर वरताया जाएगा। हुण समा हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का। ब्रेक तो बाद तुसी देखोगे पुरानी सब्जी मंडी हॉल गेट की खराब हालत कारण लोग परेशान। ये कुछ होर खबर एक छोटे जे ब्रेक तो बाद। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे बॉटल बॉटल पासा जाने जा पन मेरी यामाहा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। अमृतसर दे हॉलगेट विखे पुरानी सब्जी मंडी दी हालत बहुत ही बदतर बनी हुई है अते जगह जगह मलबे दे ढेर बीमारियां नूं दस्तक दे रहे हैं, जिस दे चलदे लोकां वल्लों साडी फास्ट फूड न्यूज टीम नाल गलबात करदिआं दस्सिआ किस पुरानी सब्जी मंडी विखे कार पार्किंग बनी है पर जगह नूं वधिया तरीके नाल नहीं बनाया गया, जिस कारण लोकां वल्लों अपनियां गड्डियां इस पार्किंग विच नहीं खड़ियां कीतियां जा रहीआं, जो कि एक बहुत वड्डी चिंता दा विषय है, जिस दे चलदिआं लोकां वल्लों नगर निगम विभाग तो मांग कीती गई कि जेकर प्रशासन वल्लों इस जगह उपर पार्किंग बनाई जानी है तां वधिया तर्ज ते बनाई जाए तां जो इस पुरानी सब्जी मंडी दी हालत विच सुधार हो सके। हाँ सफाई हो जाए वो नाल सफाई वर्गी रीस कोई नहीं जी, सफाई हो जाए थोड़ा मंडी साफ सफाई हो जाएगी तो लोग ज़्यादा आएंगे, जोड़े बाहरों लोग आते हैं दर्शन कर हरिमंदर साहब के या धार्मिक स्थाना के उन्होंने असर तो माड़ा जाता ही है जी, उन्होंने यह लगता कि इन्नी इतने एड्डी वड्डी बड़ी वधिया लोकेशन है और लेकिन सफाई की व्यवस्था नहीं गी। पुरानी सब्जी मंडी है जी हालगेट के कोल, हालात सफाई होने वाली है मंडी की, सफाई करेंगे तो मतलब डिवेलप होएगी जगह क्योंकि हालगेट के नज़दीक पैंती है, सफाई सफुई करके रखन लोग इतने पार्किंग इन्होंने अलाट की है, लोग गड्डिया लाने तैयार है पर थोड़ी सफाई करके उन्होंने व्यवस्था चंगी कर देन। बस हालात उदा ही है, बहुत कूड़े ढेर लगे है, सफाई चाहिए, गंदगी के ढेर लगे है बहुत ज़्यादा और सफाई कोई नहीं है, ये सुध की जाए साफ सफाई की जाए प्रशासन देखना चाहिए सब कुछ इतने आके कहू। अमृतसर शहर गुरु नगरी पर जे वे हालात वेलीए
जगह जगह से लगे कूड़े के ढेर कुछ होर ही बयान करते हैं। जिसकी मिसाल जिंदी जागती बिल्कुल पिछे हालगेट की पुरानी सब्जी मंडी जिसनों कहा जाता है, पर वो हालात वेलीए जगह जगह के कूड़े के ढेर लगे पे है, मलबा उदा ही पिया, कुछ पार्किंग भी चलो इतने शुरू की गई है प्रशासन वालों, वो लोगों का कहना कि वधिया गल है, पर जे उस पार्किंग भी कार पार्किंग गड्डिया लगन लिए वधिया तरीके की पार्किंग बनाई जाए, शहर दिया सड़कों के उत्ते जिहड़ा भारी जाम लगता है, लोग गलत तरीके गड्डिया अपन सड़क से ज खड़िया करते हैं, तो वह गड्डिया कितने पार्किंग के लगन, सड़कों का भी हाल खुला डुला हो, तो जी लोगों जी इतों पहुँच के लखा लोग इतने सचखंड श्री हरिमंदर साहब जाने लिए इस हब हालगेट पुरानी सब्जी मंडी तो होंगे जाते हैं, तो उन्होंने भी कितने कोई गलत मैसेज ना जाए। कैमरामैन रमन कुमार के नाल सुशील शर्मा, फास्ट वे न्यूज़, अमृतसर। पनग्रेन के चेयरमैन बलदेव सिंह म्यादिया ने सरहदी दाणा मंडी बच्चीविन विखे पनसब के अधिकारियों की हाजिरी में झोने की सरकारी खरीद शुरू करवाई। इस मौके उन्होंने आख्या कि किसान देश का अन्नदाता है, उन्होंने मंडिया में किसी किस्म की मुश्किल नहीं आन दी जाएगी, इस संबंधी पंजाब सरकार वालों पुख्ता प्रबंध कर ले गए हैं। उन्होंने किसानों झोने की पराली ना साड़न की अपील भी की। पनसब इंस्पैक्टर मनजीत सिंह, सबका सरपंच गुरपेत सिंह बच्चीविन, अटारी मार्केट कमेटी के सैकटरी सतनाम सिंह अते बलराज सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। पनसब की इतने खरीद जी शुरू हुई है जी, और जायजा लिया सी इतने साढ़े सारे इतने प्रशासन वालों भी जेडे वीर ने इतने पहुंचे से सारे इंस्पैक्टर साहब पहुंचे सारे जड़े, सो इन्होंने कह कि जोड़ा बारदाने का असी पूछा सी बारदाना भी वधिया, बारदाना कहें कि काफ़ी साढ़े को आ चुका है, पिया आ गोदाम अगले पास रेडी आ, और जी फसल आ जी 17 मोर्च जोड़ा पास होया सरकार वालों वो लै रहे हैं, बहुत वधिया इतने कोई भी इस टाइम जी कोई मुश्किल है वो नहीं सानू दिसी गई, कोई मुश्किल आ रही है। मां लाल भवानी ज्योतिष मंच वालों विशाल ज्योतिष समागम 8 अक्टूबर नू सेरेमनी रिजॉर्ट बटाला रोड विखे किया जाएगा। ये जानकारी दिंदिया फाउंडर अते प्रधान डॉक्टर मोनिका वालिया अते चेयरमैन संजीव वालिया ने दसिया कि प्रसिद्ध ज्योतिष इस समागम च भाग लेंगे। हम ये चाहते हैं कि अभी जो अमृतसर के लोग हैं इसमें जो हाथ दिखाना चाहते हैं, टैरो कार्ड कराना चाहते हैं, जन्मपत्र दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर हमने कुंडली विश्लेषण एस्ट्रोलॉजर जो आए हैं बहुत ही निपुण जिनको जानकारी है, जो कि PhD हैं ज्योतिष में, और वो आ रहे हैं। कोई भी अपनी समस्या का समाधान चाहता है तो उत्थे आके उन्होंने मिलो, उदे वास्ते असी एंट्री पासिस रखे हुए हैं। मोबाइल नंबर ते कंटैक्ट तुसी कर सकते हो, मोबाइल नंबर है 9357370244, ते दूसरा नंबर है 9417435869। किसी नू भी कोई दिक्कत नहीं होएगी, तुसी फोन करो, कंटैक्ट पासिस चाहते हो तो तुसी तुहानू मिल जाएंगे। अमृतसर के पिंड अकालगढ़ विखे निजी रंजिशन एक नौजवान नू गंभीर रूप में जख्मी कर दिता गया। जख्मी हुए नौजवान सुखदीप सिंह ने दसिया कि कुछ हथियारबंद लोगों ने उसते हमला किया, जिस कारण वह गंभीर रूप में जख्मी हो गया। उसनों इलाज लिए हस्पताल विच भर्ती कराया गया। उसने मांग की कि दोषियों खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। थाना जंडियाला के SHO अमोलक सिंह ने आख्या कि 5 लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिन्होंने गिरफ्तार करने लिए छापेमारी की जा रही है। वो रात को अणपछाते होर मुंडे लैके एक घट तो घट है ही 7-8 जने, 3 मोटरसाइकिल सी सर, 10 बजे के करीब इनू आ के मतलब यदा दरवाजा तोड़ के सुते नू इन्हां ठाल के ये ते दातर मारे, तिखे तेज तार हथियार मारे, उस तो बाद मैं चीकां दियां जदों आवाज़ां सुनिया, मैं अपना दरवाज़ा खोल के मतलब उन्होंने आवाज़ दी कि कौन है तुसीं की गल आ, वो अगे कहिंदे कि गांह आ तैनू इधर गोली मारीए। उस तो बाद सर मैं अपनी घर की लाइट ऑन की बाहर दी, वो मतलब उतों निक भज गए, एकदम भज गए, जो इनू लहू हलवान वेख्या इन्हें चीकां लगाइया कि मैनू बचा लो मैं मर गया सर, इनू एक मार के सुट गए ही अपनी वालों। अकालगढ़ भैया एक लड़ाई हुई सी 27 तरीक नौवे महीने की, सुखदीप सिंह सन और वीर सिंह ये सटा लगियां, वो वालों असी 264 नंबर FIR दर्ज की, जिस अलग अलग सैक्शन जड़िया अपनी 458 नाफ वगैरह 148 सैक्शन लगिया ने, उसे दो दोषियों के खिलाफ जोड़ा मुकदमा दर्ज किया गया, बलबीर सिंह के आकाशदीप सिंह खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इन्वेस्टिगेशन की जारी। ये जिड़िया जोड़ा जोड़ा मदई का जो हम मेडिकल जी रिपोर्ट आ वो साढ़े को नहीं पहुंची,
बीजेपी पार्टी दे सीनियर नेता डॉक्टर राम चावला दी अगवाई हेठ एक विशेष मीटिंग कीती गई, जिस दौरान दस्या गया कि बीजेपी पार्टी दी अमृतसर आईटी एंड सोशल मीडिया टीम दे जिला सह इंचार्ज गुरिंदर सिंह सागर वालों दस्या गया कि कुछ व्यक्तियां वालों उन्हां नूं जानों मारन दीआं धमकियां दित्तियां जा रही हैं, जिस संबंधी सरकार अते पुलिस प्रशासन तो मांग की गई कि उन्हां दोषियां नूं जल्द काबू कर उन्हां नूं इंसाफ दवाया जाए, नहीं तो संघर्ष तेज़ किया जाएगा। इस मौके आईटी टीम के जिला इंचार्ज अमित महाजन, शंकर लाल, वरिंदर पट्टी भी मौजूद सन। पहले अमित जी ने एक तरीक धमकी दी, उन्होंने उत्थे गुरबख्श नगर चौंकी के जाके कंप्लेंट की। दो दिन पहले 4 तरीक साढ़े गुरिंदर सागर जी बड़े सीनियर कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के आईटी सैल च काम करते हैं, अमित जी भी आईटी सैल च काम करते, इन्हों धमकी दी, इन्होंने भी कंप्लेंट की। सागर जी ने भी गुरबख्श नगर चौंकी ASI में कंप्लेंट की। मैं प्रशासन तो मंग करदा, पुलिस तो मंग करदा कि इन्हों जे गुंडे कार्रवाई, इन्हों गुंडे जिन्होंने धमकियां दतिया, चाहे वह किसी भी पार्टी के होंगे, उन्होंने बनती कार्रवाई की जाए। मानावाला विखे बाबा बुरज शाह जी दरगाह से दंदा दिया बीमारियों के चैकअप का कैंप लगाया गया। मरीजों का माहिर डॉक्टर ने चैकअप किया, फ्री दवाइया भी वंडिया। SK शर्मा, डॉक्टर शगुफ्ता कश्यप समेत कई लोग मौजूद सन। SGPC ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਭੱਲਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢੋਟ, ਨਵਨੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਧੀਰ ਦੇਵਗਨ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਂ ਲਾਲ ਭਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਲਾਲ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਸਪਤਾ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 5 ਤੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ੁਕਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸਾਧੂ ਸਦਾਚਾਰ ਕੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਕੀ ਸਫਲਤਾ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਚਿੰਤ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਜਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਕਈਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬਬਲੂ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਬੰਟੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਨਵੀਨ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੀ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਬੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੰਪੰਨ। ਇਹ
सन अज दियां खबरां। असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।